नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। एसपीएन नई न्यूज़ में आज आपको बताने वाले हैं कि कर्नाटक में जब स्कूल खुला, कल हमने आपको बताई थी एसपीएन नई न्यूज़ के माध्यम से कि स्कूल खोले गए, धारा 144 लगाए गए, इसलिए ताकि सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, पहले फ्लैग मार्च हुआ, हमने ये तमाम चीज़ें आपको बताई थी। आज कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है, लेकिन बवाल और हो गया इस मामले पर, यानी हिजाब विवाद पर जो बवाल है वो और तेज तब हो गया जब बच्चे यानी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स जब स्कूल में गए और उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा गया, तो उसके बाद जो है दो स्टूडेंटों के बीच में भिड़ंत नहीं हुई, दोनों के गार्जियनों में हो गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक के स्कूल में बच्चों के अलावा दोनों के गार्जियन आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। किस बात को लेकर? जब वहाँ के शिक्षक मना कर रहे हैं हिजाब पहनकर आप अंदर एंट्री ना करें, इसको लेकर शिक्षक और दोनों के पेरेंट्स के बीच में जो है भिड़ंत हो गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले को लेकर लोगों की जो है सोच किस हद तक जो है कहां तक बढ़ चुकी है, ये विवाद कहां तक बढ़ चुका है, इससे हमारा अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि हिजाब विवाद को लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता इस पर अपनी रिएक्शंस और अपने बात रख चुके हैं। देखना अब यही होगा कि आखिर इस मामले को लेकर शांत कब होता है, हाईकोर्ट आखिर इस पर सुनवाई क्या देती है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कल एक बात कही थी, जो याचिकाकर्ता थे उनसे पूछा भी था उन्होंने कि क्या इसको लेकर कोई कानून बना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, आज देखते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर क्या सुनवाई करती है, क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इस बीच में इस तरह के रिएक्शन आने, स्कूल खुलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कर्नाटक का जो विवाद है वो अभी तक शांत हुआ नहीं है। इसमें जो है राजनीति भी हो रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो करने की कोशिश की नेताओं ने, वो लोगों के जहन में जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस पर जो है जो तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर शांत कब होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी9 न्यूज़।